हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज यहां पे हम LIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, LIC ने असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्रॉक्स 8000 वैकेंसीज निकाली हैं। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है एक अच्छी जॉब पाने की, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग डेट 1 अक्टूबर 2019 है, ठीक है। इसके बीच आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो आपको कॉल लेटर अवेलेबल कराया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, वो 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम जो होना है प्रीलिम्स का, वो 21 और 22 अक्टूबर 2019 इसके लिए रखा गया है डेट। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होना है उसकी डेट्स अभी आई नहीं है, ठीक है। ये आपको लेटर आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए हम एक बार एग्जाम पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स है LIC असिस्टेंट का, वो किस तरह से कराया जाएगा। बच्चों, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए 60 मिनट्स आपके लिए वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि 35 मार्क्स का होगा, और उसके लिए सेक्शन रहेंगे आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा 20 मिनट्स, ओके। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके भी 35 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 35 मार्क्स के ये भी होंगे, और 20 मिनट्स इसके लिए भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा यहाँ पे वो 60 मिनट होगा। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे हिंदी को ऐड किया गया है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। जो जॉब प्रोफाइल है LIC असिस्टेंट का, की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, आपको किस पोस्ट के लिए वहां पे काम करने के लिए मिलता है। तो जैसे कि ये एक क्लरिकल कैडर का पोस्ट है, जहां पे आपको कैशियर के रूप में काम करना पड़ सकता है, सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में काम करना पड़ सकता है, या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं LIC असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का। तो सबसे पहले जो हम देख पा रहे हैं कि जो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, वहां पे आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे, और टोटल टाइम जो आपको इस सेक्शन के लिए मिलता है वो है 30 मिनट्स। उसके बाद आता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, इसके भी 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और ये भी 40 मार्क्स के हैं, और इसके लिए भी सेक्शनल टाइमिंग आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ये भी 40 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट्स आपको सेक्शनल टाइम दिए जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स, उसके बाद 40 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, और 30 मिनट्स टाइमिंग दिया जाएगा। उसके बाद आता है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में भी सेम है, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो आपको मेंस में पूछे जाएंगे वो 200 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के वो एग्जाम होगा, और जो टोटल टाइम आपको मिलता है वो 150 मिनट आपको मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे जो अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है LIC असिस्टेंट प्राइम, ठीक है, टेस्ट सीरीज। ये आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपके प्रिपरेशन को और बेहतर करने वाला है। तो इसमें आपको टोटल 60 टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, ये बाइलिंगुअल होगा, और ये इसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स रखी गई है। एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। इस पैकेज के अंदर आपको मिलता है 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है आपको मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद 15 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिसमें कि 5 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, 5 क्वांट के होंगे, एंड 5 इंग्लिश के भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जो कि सेक्शन वाइज आपको टोटल 15 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद जो 20 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाएंगे, उसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रीजनिंग है, अगर रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, उसमें 2 पजल के सेट होंगे, ठीक है, 2 सेट जो बनाया गया है वो बिल्कुल पजल के लिए बनाया गया, जिसमें कि सिर्फ पजल के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 2 सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे, 2 सिलॉग के होंगे, 1 इनइक्वालिटी का होगा, और 2 मिसलेनियस होगा, जिसमें कि रीजनिंग के और भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट के अंदर भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहां पे 2 सेट आपको DI के लिए मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिलेगा, 2 सीरीज के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ भी प्रैक्टिस सेट बनाया गया है टॉपिक वाइज, जहां पे
दो सेट आपको मिलेगा एरर करेक्शन के लिए, एक फिलर का सेट मिलेगा आपको, एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन का सेट आपको दिया जाएगा और एक क्लोज टेस्ट का सेट आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी इसके इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पूरा पैकेज है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी अच्छे से अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम्स में कर सकते हैं। उसके बाद अब हम अगर हम बात करते हैं कि ये पैकेज आपको कहाँ अवेलेबल करा जा रहा है, ये अड्डा 24/7 स्टोर पे भी अवेलेबल होगा और अड्डा 24/7 मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल होगा। उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसके आपको डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो हमारे एक्सपर्ट होंगे वो आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे सारे मॉक टेस्ट के। उसके बाद एनालिसिस भी होगा, ठीक है। जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उसका एक डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक भी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो टॉपर्स हैं उसके कंपैरिजन में आपका क्या स्कोर है, आपका क्या रैंक है, ये सारी चीज डिटेल में आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपको 40% डिस्काउंट भी दिया जाएगा इस पैकेज पे। इस पैकेज की जो भी प्राइस होगी अड्डा स्टोर पे, ठीक है, तो इस पे 40% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं STUD40, ठीक है, STUD STUD40 आप कोड यूज कीजिए और 40% डिस्काउंट LIC असिस्टेंट 2019 प्राइम ऑफर पे आपको मिलता है। उसके बाद आप ये कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है, तो store.adda247.com पे आप जाइए, ये पैकेज वहां पे अवेलेबल है, आप ये पैकेज वहां से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के समय आप वो डिस्काउंट कोड को यूज कीजिए और जो भी डिस्काउंट होगा आपको 40% उस प्राइस पे मिल जाएगा। बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, चाहे वो टेस्ट पैकेज को लेके हो चाहे वो LIC असिस्टेंट एग्जाम को लेके हो, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं blogger@adda247.com, ठीक है। आप जो भी आपके क्वेरीज हो आप हमें मेल कीजिए, ठीक है, हम आपका जो भी क्वेरीज होगा उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे और आपसे बात करेंगे, जो भी क्वेरीज कंप्लेंट्स हैं सब सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, करीबन 8000 वैकेंसी है, ठीक है, एक अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास एक अच्छी जॉब पाने की, ठीक है। अड्डा 24/7 टीम हमेशा आपके साथ है, ठीक है, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ओके, सो थैंक यू सो मच। Have a good day.